नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, हिंदुस्तानी संगीत में आपका एक विशेष स्थान है। आप ऐसा करके हमारे सारा इंटरव्यू में गड़बड़ कर रहे हैं, ये बात छोड़ नहीं, ये दीजिए। तो हमको जो महसूस होता है वो हम बोल रहे हैं। तो इसलिए आपकी गायकी से जब भी कोई सुनता है, चाहे वो जानकार हो, जानने वाला हो शास्त्रीय संगीत का, या पहली बार ऐसी महफिल में आया हो, दोनों प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी आपसे बातचीत कराने की हमको इच्छा है। अगर इजाज़त हो तो हम कुछ सवालात आपसे पूछें। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप अपने हमारे अपने श्रोताओं के सामने हमें रख रही हैं, मौका दे रही हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पंडित जी, आपका वैसे पूरा खानदान संगीत की पूजा में व्यग्र है पहले से, बिल्कुल ठीक। इसलिए जाहिर है कि आपको बचपन से वो संस्कार, जो किसी दूसरे अलग खानदान जहाँ नहीं होता ये वातावरण, वहाँ उनको अब अलग गुरु के घर जा के सीखना पड़ता है, उसके बजाय आपको तो जन्म से ये संस्कार आपके ऊपर होते रहे हैं, फिर भी आपने ये संगीत की साधना या उसके संस्कार ये आपके ऊपर कैसे हुए, ये जानने की हमको इच्छा है। देखिए, हर व्यक्ति को बनने में कई व्यक्तियों का हाथ होता है। आपने कहा कि आपके ऊपर संस्कार कैसे गए, जी तो पहले तो ये कि आपने आपने स्वयं कहा है कि हमारे घर में संगीत है। मैं हमारे घर में चौथी पीढ़ी पे हूँ। और संस्कार की बात, तो जब मैं छोटा था तब मेरी माँ कुछ कुछ गाया करती थी, ऐसे ही भगवान के भजन सुबह 4:30-5 बजे, वहाँ से शुरू हुआ। और मेरे पिताजी बहुत हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार थे, बड़े भाई साहब ने मुझे सिखाया ऐसे। और उसके अलावा मुझ पे एक बहुत ज़बरदस्त संस्कार जो हुए हैं वो हमारे स्वर्गीय सानंद महाराजा श्री जयवंत सिंह जी, जी उनके हुए हैं। वो एक तो बड़े ज़बरदस्त भक्त हैं, थे, क्या बताएं, थे। और उनकी वजह से संगीत में भक्ति का जो दर्शन हुआ वो उनकी देन है। लेकिन संगीत की साधना करते समय आप गायन की ओर ही आकर्षित हो गए, या और भी आपके अलग अलग कुछ करने की इच्छा थी या कर रहे थे आप? चाहता तो मैं तबला वादक बनना था, मगर कुछ ऐसी समझिए कि एक मोड़ ऐसा आया कि यूं भी घर में संगीत था और हम संगीत की तरफ आ गए। आप जब ये साधना कर रहे थे जी तो आपके दृष्टि के सामने किस प्रकार का ध्येय था, यानी किस प्रकार की गायकी आप अपने में लाना चाहते थे, ऐसे कुछ विचार थे क्या आपके मन में? देखिए, जब कोई कलाकार अपने स्टूडेंट लाइफ में स्टडी में रहता है, तो उसके सामने कोई न कोई कलाकार की चित्र, किसी कलाकार का चित्र रहता है। उसके माध्यम से उसका ही पल्लू पकड़ के वो आगे जाने की जी कोशिश करता है। समझ लीजिए कि नदी में जब कोई जाता है तो किसी न किसी का सहारा लेता है पहली बार, और जब उसे तैरना आ जाता है तब वो अपनी स्टाइल को निर्माण करता है। जी और वैसा हमारे साथ भी हुआ। तो इस दृष्टि से आपके विचार क्या थे, यानी ये राग गायन जो है जी, उसमें और क्या लाने के लिए आपकी कोशिश थी? मेरी कोशिश तो बाद में शुरू हुई, मगर कोशिश के पहले ही मुझे थोड़ा बहुत समझा दिया गया था जी कि ये गायन विद्या जो है वो सिर्फ उदर पूर्ति के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए बिल्कुल, नहीं है। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, कई कई इसके स्वरूप हैं। तो मतलब उदर पूर्ति के अलावा भी बहुत स्वरूप हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उसको दृष्टिगोचर रख के गाना करना चाहिए। जैसे इसको हम भगवत भक्ति का मार्ग भी जी समझते हैं, और है भी हाँ हमारे यहाँ। कहते हैं कि बिल्कुल, संगीत इतना अच्छा है कि आपको सीधा मतलब मार्ग दिखा सकता है। ख्याल गायकी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। ख्याल गायकी में जो आक्रामकता थी या रूखापन था, या है भी, होता भी है, लेकिन आपकी गायकी में ऐसा लगता है कि जैसे ख्याल बहुत नम्र होके श्रोताओं के सामने आया हो और अपनी पूरी सुंदरता और वैभव दिखा रहा हो। ये तो आपने मतलब बहुत ज़्यादा श्रेय दे दिया।
खैर हर आदमी को श्रेय तो अच्छा लगता है मगर ये ज़्यादा है, फिर भी उत्तर तो दूंगा। ये हमारे घर में पहले से भी कुछ थोड़ा रिवाज था, और यूँ कहिए कि कोई आदमी अगर आपको थोड़ी सी दृष्टि देता है तो आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना देख सकते हैं। तो वैसे हमारे बड़े भाई साहब ने हमें ये दृष्टि दी कि ख्याल को जितनी भी सुंदरता दे सकते हो स्वरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और स्वर और शब्द अगर उनका संगम अच्छी तरह से हो सकता है, जैसे आप उत्तराखंड में अगर कभी गई हैं तो देखेंगे कि एक नदी से दूसरी नदी मिलती है तो बाद में पता ही नहीं चलता। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, रुद्रप्रयाग में एक तरफ से गंगा आती है, देवप्रयाग में एक तरफ से गंगा आती है और एक तरफ से अलकनंदा आती है, तो अलकनंदा इतनी उमड़ घुमड़ कर आती है मालूम होता है कि गंगा को तोड़ मोड़ के कहीं चली जाएगी, मगर जब वो गंगा के अंदर गंगा के साथ में उसका संगम होता है तो मालूम होता है कि उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। तो वैसे ही स्वर और शब्दों का अगर वो गंगा के जैसा अगर आप संगम करवाएं तो वही शांत वही प्यारा भाव आएगा। और इसी को दृष्टिगोचर रख के इसको माध्यम समझ के कोशिश की, और इसमें सबसे हमें सहायक हमारे सानंद महाराज हुए जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग दिखाया, और संगीत से कैसी भक्ति की जा सकती है वो उनकी देन है। उनका नाम था महाराणा जयवंत सिंह जी, सानंद दरबार। आलापी में हाँ जी आपने शब्द का तो महत्व बता दिया, लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ जो सुर है उनको भी एक भावना है, एक एटमॉस्फेयर वो निर्माण कर देते हैं। बड़ा अच्छा आपने तो प्रश्न किया है, उसका उत्तर पहले ही दे दूंगी तो मैं शायद भूल भी जाती। जी देखिए, जब आपके पास एक सुरुचिपूर्ण शब्द हो तो उसको जब पढ़ती हैं तो आपके मन में एक भाव जागृत होता है, तो ये बड़ी नेचुरल बात है कि अगर आपके सामने कोई एक अच्छी सी पंक्ति हो कविता की और आपके सामने आप उसे गाएं तो उसका भाव आप बिल्कुल शब्दों में स्वरों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपका मतलब है जब आप कोई बंदिश अगर पढ़ते हैं, नई बंदिश या कोई रचना, भक्ति रचना, तो अपने आप अपने मन में वो सुर उभर आते हैं कि कौन सा सुर उसके लिए सबसे अच्छा है, और उसी के साथ फिर बंदिश बन जाती है, ऐसे मुझे लगता है आपके कहने। ऐसे कोई आप बंदिश गा के थोड़ी सी बताएंगे? अभी तबला तो नहीं है, लेकिन जो शब्द हो उसके अनुसार वो अपने आप उसकी सुर बन गए। वैसे तो यूँ मैं शब्द सभी बंदिशें गाते ही रहता हूँ। बिल्कुल जी, अब कोई एक ऐसी सुना दूँ जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या गाऊँ, मगर सुनिए। हिंडोल की बंदिश है, शब्द भी सुनिएगा। हिंडोर आजनी की, हिंडोर आजनी की, रमाय की उमड़ घुमड़ आजी घटा झमा की, हिंडोर रामाय की उमड़ घुमड़ आजी घटा बरसी बूंद रस झमकी। अब देखिए, इससे अगर हिंडोल नाम है तो उसमें अगर हिंडोरे का वर्णन होता हो तो राग के साथ भी जाता है, स्वरों के साथ भी जाता है, और आमतौर पे अपने यहाँ झूले जब झूले जब डाले जाते हैं तो सावन का महीना होता है, हाँ और उसमें वर्षा जरूर होती है, तो हिंडोरे आज नीकी
रमा की आई उमड़ घुमड़ घटा, वो जो भी मैं कह रहा था उसमें वर्षा का वर्णन है, हिंडोले का वर्णन है, तो और क्या चाहिए। वो जगह भी ऐसे आई कि जैसे हिंडोला आगे पीछे हो रहा है ऐसे आगे, ये तो बहुत अच्छी बंदिश आपने सुना। हमारा जो राग का समय का विवरण है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं तो पुराना विचार वाला हूँ जी, और समय को बहुत मानता हूँ। हाँ। आप रेडियो की स्टेशन डायरेक्टर इसलिए कह सकती हैं कि भाई आप हमारे यहाँ भैरव दिन में भी गाते हैं और दरबारी दिन में भी गाते हैं, तो मैं मान लेता हूँ। मगर ये जो चीज़ें हैं, इस समय और स्वर, इनका एक बड़ा अच्छा अपना अटूट संबंध है। आप सुबह जैसे उठते हैं तो आपको नींद में आप एकदम ऊपर की उड़ान नहीं ले सकते, नहीं ले सकते आवाज़ से भी, बिल्कुल। तो ऐसे ही शुरू होंगे, इसके देखिए सा रे साथ मिला हुआ है, दूसरी आगे जाता नहीं है, उसके बाद थोड़ी सी शक्ति की प्राप्ति होती तो ग म बिल्कुल साथ मिला हुआ है, फिर प ध, फिर नीसा, एकदम करीब करीब के स्वर लिए हैं। और आदमी अलसाया उठता है तो आलस तोड़ने के लिए, जागृत अवस्था में आने के लिए ये स्वर को छंगित करते हैं। ये तो सही बात कही आपने, क्योंकि आपने जैसे कहा स्टूडियो में आप दोपहर को भले ही गा रहे, लेकिन गाते समय हमको कैसा लगता है ये है ना। भैरव आप गा रहे हैं, रात को भी गा रहे हैं, लेकिन अगर श्रोताओं को लगता है वो सुबह हो गई। हाँ। जैसे मराठी नाटकों में भी है। हाँ। वो प्रिय पहा रात के 12-1 बजे है, लेकिन वो वातावरण तो सुबह का ही होता है। सही बात। तो ये तो मैं भी आपसे सहमत हूँ। आप स्वयं गायिका हैं इसलिए सहमत होंगी ना। अच्छा, आपके गायकी में सरगम यानी आलाप आपके इतने संथ और ये हो जाते हैं, उसके बाद सरगम आती है। सरगम में भी आपके दो प्रकार आप लेते हैं, तो ये सरगम लेने के पीछे आपका क्या ये होता है, यानी उसमें कुछ आप अलग व्यक्त करना चाहते हैं जो आलापी में नहीं हो सकता या कुछ है? नहीं, हमारे सरगम लेने का तो एक सादा सीधा तरीका है कि जैसे लिखाई पढ़ाई में जी बाराखड़ी का जो स्थान है वो संगीत में सरगम का स्थान है। बहुत ज़रूरी है कि हम क्या लिख रहे हैं उसको पढ़ तो सकें, हम क्या गा रहे हैं उसको जान तो सकें जी। ये हमारा पहले हेतु था, अब हमें उसमें रस आता है। हम अलाप का भी, अलाप के साथ में जो सरगम करते हैं अलापयुक्त कहिए, वो अलाप के स्टाइल से करते हैं, और कुछ सरगमें करते हैं वो तान के स्टाइल से करते हैं। उसमें श्रोता की दृष्टि से मैं ऐसा भी महसूस करती हूँ कि जो पहली बार या नई श्रोता है उनको अलापी में तो वो सुर वगैरह सब समझ नहीं सकते, लेकिन सरगम जब आप लेते हैं तो आप उनको भी सुरों का भी ज्ञान होता है, तो वो भी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो दोनों के ज्ञान की बात है ना, कि हम क्या गा रहे हैं हमें भी समझ में आए और हम क्या गा रहे हैं उन्हें भी समझ में आए। जी, वो तो है, सही बात है। आपके गायन की एक विशेषता है कि अच्छा? यानी जो मैंने सुना है जितना वो जो मैंने अच्छा। कि श्रोतागण कोई भी हो, चाहे वो क्लासिकल के चाहने वाले हो चाहे वो लेट के हो, लेकिन आपकी जो महफिल होती है उसमें शास्त्रीय संगीत ही होता है, वो लालित्यपूर्ण होता है, सब होता है, लेकिन आप शास्त्रीय संगीत ही पेश करते हैं। आपको ठुमरी या इसके बारे में आप गाना पसंद नहीं करते या नहीं गाते, या उसके बारे में आपको क्या है? देखिए, मुझे तो संगीत के कोई भी एस्पेक्ट्स कहिए या किसी भी प्रकार के संगीत को मैं कोई ओछी दृष्टि दे ही नहीं सकता। संगीत संगीत, संगीत है। वो चाहे फिल्मी संगीत हो, चाहे कव्वाली हो, गज़ल हो, तो फिर मैं ठुमरी और दादरे को कैसे ऐसा से देख सकता हूँ। मगर बचपन से एक धैर्य रहा है कि मैं ख्याली गाऊंगा, शास्त्रीय संगीत गाकर ही मैं अपना रोजी रोटी कमाऊंगा, चाहे एक रोटी मिले चाहे दो मिले। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, और आजकल के ज़माने में जहाँ इसके उदाहरण मैं आपको दूं जी, कि मेरे ससुर साहब ने भी, शांताराम जी ने 1962 में
63 हो गए। कहा कि भाई तुम्हारे कुछ प्रोग्राम वोग्राम नहीं होते हैं तो तुम हमारे स्टूडियो में आ जाओ, और वसंत देसाई अपना म्यूज़िक कर रहे हैं तो उनके साथ तुम्हारा भी नाम लगा देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि पापा ये आप ठीक कहते हैं, और आपके इस ऑफ़र के लिए तो मैं आपको क्या बताऊं कि आपका कृतज्ञ हूं, मगर फिर भी मैंने एक प्रण जैसा मन में ले रखा है कि मैं जो भी कुछ कमाऊंगा शास्त्रीय संगीत से ही कमाऊंगा और दूसरा कोई मार्ग नहीं अपनाऊंगा। तो आप इसको बुरा ना माने। ना बिल्कुल तो, नहीं, ये तो बहुत मैंने शांताराम जी को कहा सर, हाँ जी। आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने भी यही शब्द कहा थे, शांताराम जी ने भी यही शब्द कहे थे कि मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ और मुझे इसमें खुशी है कि तुमने कुछ अपना एक मार्ग चुन रखा जी। और मैं इसमें डिस्टर्ब नहीं करूँगा तुम्हें, विश यू बेस्ट ऑफ लक माय बॉय, ऐसे उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी खुशी हुई हमें, मैं और आज जब कभी भी मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि मैं तुम्हारे विचारों से आज बहुत ज़ोर से सहमत हूँ। मुझे गौरव के साथ कहता हूँ कि हाँ तुम्हारे विचार एकदम सत्य थे। हाँ। और नए जो गायक या गायिकाएं तैयार हो उनके लिए भी एक आदर्श है कि हो सकती है ऐसी भी महफिल हो सकती है। आजकल के दिनों में नहीं तो ये बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं तो ठुमरी दादरा गज़ल कुछ नहीं गाता हूँ, शुरू से जो करता हूँ शास्त्रीय संगीत से, ख्याल से, रागदारी से, अंत में जाके एक भजन जरूर गाता हूँ जिसमें कि अपनी मोक्ष के लिए थोड़ा थोड़ा अपना एप्लीकेशन देते रहेंगे, आगे के रास्ते हमारे साफ कर देना। भजन की बात ही निकली है तो आपने अपने जैसे जिक्र किया सारनंद के जो महाराज थे, उनकी कुछ रचनाएं भी आपने उनको संकलित करके जो सामने श्रोताओं के सामने रखे हैं, और वो रचनाएं बहुत ही उच्च दर्जे के, हम क्या कहें, तो उसमें से आप कोई एक थोड़ी सी झलकी बताएंगे? हाँ जरूर बताऊंगा। एक एक दो चार बंदिश उनकी बड़ी प्रचलित है जिसमें एक माता काली का है जी, आड़ाना में गाते हैं, उसके सिवाय तो होगी नहीं। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे उसकी फरमाइश ज़रूर हो जाती है, लोग सुनना भी चाहते हैं। मगर उनके वैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, उन्होंने रागों के भी मतलब कई रागों का भी निर्माण किया है, और उनका एक नया राग बताता हूँ जिसका नाम है ज्ञान कली। ज्ञान कली की एक उनकी बंदिश सुनाता हूँ। शेष धरण गंगा, शेष धरण गंगा, भाल चंद्र गल भुजंग, भाल चंद्र गल भुजंग, शेष धरण गंगा, दमरु कर धर महेश, दमरु कर धर महेश, उमिया अरद अंग, शीश धरन गंग। अच्छा उन्होंने मतलब पार्वती को कितना प्यार से कहा उमिया अरद अंग है, आवाज लगाने का एक टेक्निक होता है, वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस कल्चर कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे यहाँ उस तरह से नहीं, हम तो रियाज का या अपने आवाज कैसी हो, तो पहले तो खुली आवाज में ज्यादा गाया जाता, अभी तो माइक्रोफोन आ गए हैं, उसके वैसे उसकी रिक्वायरमेंट भी वही है कि उसके टेक्निक से गाएं, तो इस तरह से आपकी आवाज़ का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही सूटेबल है माइक्रोफोन के लिए, तो इसके लिए आपने कुछ अलग विचार किया या पहले से आप कहते थे या पहले आप खुली आवाज़ में गाते थे और उसके बाद आपने ये स्टाइल बनाया? माइक जब आ गया तब आदमी थोड़ा सा अधर गाता, वैसे कोई खास हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं करते हैं, नेचुरल वॉइस से गाना जिसमें हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, ये सबसे बड़ी, क्योंकि आजकल टेंडेंसी ऐसी है कि माइक्रोफोन है तो बिल्कुल हल्का गाइए, हल्का गाइए, वो क्लासिकल के लिए आमतौर पे जो लाइट गाने वाली लड़कियां हैं, लड़कों की नहीं कहूंगा, वो तो ऐसी बात करेंगे, कहो पंडित जी तुम्हें कैसी हालत दिख रही, इस गाने में शुरू हो जाएगी बात करने का अलग, गाने का अलग, ये
लड़कियों में ज्यादा नजर आता हाँ है जी, बनिस्बत लड़कों के। लड़के सबसे तो बड़ी बात है जो अपनी आवाज है उसी में गाना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा उसको मोल्ड करना चाहिए। हाँ, मोल्ड तो खैर स्वरों के साथ में अपने आप ही होता है। पंडित जी आप विदेश में बहुत बार गए हैं। हाँ जी, पहले विदेशों में इंस्ट्रूमेंट्स का ज्यादा प्रभाव था, साहजिक ही है क्योंकि वहाँ वेस्टर्न म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स का ज्यादा ही था। आजकल वोकल भी ज्यादा वहाँ अप्रिसिएट करने लगे हैं ऐसा सुनाई देता है, तो आपके अनुभव क्या है वहाँ? मेरे अनुभव बड़े सुहाने और बड़े लुभावने वाली बात है। जब मैं पहली बार गया था तब के और अभी मुझे रिसेंटली जाने का सौभाग्य हुआ, तो उसमें बीच में जो भी कुछ हुए वो भी बड़े अच्छे अच्छे अनुभव थे, मगर अब के और एकदम पहले के बिल्कुल विपरीत दिशा के अनुभव हैं। तब इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक ज़्यादा सुनते थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक एकदम ही कम हो गया, मगर उस परिमाण में वोकल म्यूजिक भी बहुत जी। मतलब ऊंचे स्थान पे आ गया। और ये कमाल तो ये है कि वहाँ के लोग जो कि हमारे यहाँ कहते हैं कि उत्तम गाना मध्यम बजाना, जी। उन लोगों को गाना सुनने के बाद में फौरन से कहना शुरू किया कि आपका जो संगीत है जी। वो मेनली वोकल म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं। और हम लोग अभी तक यही मतलब जान कर भी अनजान है। बिल्कुल, वो एक गाना फिल्म में था ना, ऊपर वाला जानकर अनजान है। तो वैसी वाली बात है। अच्छा, वहाँ के रसिक या अभ्यासक इनमें और यहाँ के इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में आती है कि वहाँ के कैसे हैं, है। उनकी दृष्टि कैसी है जानने की, क्योंकि ये तो पूरा उनके लिए नया है, तो एक कॉमन लिसनर भी जो आता है किस दृष्टि से आपसे कुछ सवाल करते होंगे वो? तो सवाल करते हैं, मुझे कुछ सिखाने का भी सौभाग्य मिला जी। है बहुत ज़्यादा नहीं, चार चार पाँच पाँच दिन कहीं कहीं जहाँ बीच में टाइम मिला, तो मैंने देखा कि अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। और एक बार अगर आप बता दो तो हम लोगों में तो क्या है कि जैसे मैंने किसी को सिखाना शुरू किया उस लड़के के गले से नहीं निकल रहा तो उसका रूप बदल दिया, उसी चीज़ को बदल दिया, मगर वो लोग बदलते बदलते नहीं, आपने ऐसा कहा था ये ऐसा था यहाँ पर, तो उनको सिखाते वक्त हाँ उनको सिखाते वक्त एक तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बदलना वगैरह नहीं चाहिए, हम तो सामने वाले के गले के अनुसार बदल देते हैं। और शायद इसी वजह से हम लोगों के मुझसे जो सीखा या मैंने जिनसे सीखा उनकी अपनी अपनी गायकी अलग होती होगी, शायद कारण ये भी होता होगा। लेकिन मगर वो मैं उनकी बुद्धिमता की तारीफ करूँगा कि एक दफे आप बता दीजिए तो भूलते नहीं। हाँ, अच्छा, ग्रास्पिंग पावर जो है हमसे थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ। इच्छा भी ज्यादा होगी इसलिए ये भी हो सकता है। अच्छा, अभी हमारी ख्याल गायकी हम जब ख्याल प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा लंबा होता है, यानी आलापी होती है, ऐसे कभी कभी कहते हैं कि जेट युग है ये, तो अभी जेट युग हाँ, तो अभी यानी अब हमारा जो इतना इम्प्रोवाइजेशन जो इतना लंबा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों के लिए इसका कुछ मोड बदल देना चाहिए? हाँ। ये जो हमारी है ओरिजिनलिटी वही रखनी चाहिए। मैं आपको इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैं पेरिस में था तो मेरा दो एक पब्लिक प्रोग्राम हुए, उसमें कोई एक लेडी आई, उन्होंने हमारे दोस्त से कहा कि भाई हम पंडित जी का इंडियन एटमॉस्फेयर हाँ। में मेरे घर में प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में उन दोनों का आपस में मुलाकात हुई नहीं और वो दिन आ गया जो निश्चित था। हमने जाके देखा कि वहाँ पे कोई 65 आदमी मतलब जोड़े 65 जोड़े अपना हाथ में ग्लास लिए हुए और हाँ। सिगरेट फूंक रहे हैं और ये सब। हमने कहा भी ये कौन सा इंडियन एटमॉस्फेयर तुमने बता दिया? तो उनका नाम था प्रवीण। प्रवीण ने कहा कि अच्छा मैं अभी बात करता हूँ। तो लेडी से बात किया कि भाई ये पंडित जी को तो ये सब नहीं चाहिए। तो उसने कहा भाई तुमने पहले हमें कुछ बताया हाँ। नहीं, खैर हम अभी बना देते हैं। तो सारा स्टेज बना दिया और ऐसे लोग सारे बेचारे जूते वूते उतार दिए, उसने कुछ एक 2 मिनट का भाषण दिया, तो सब ने अपनी सिगरेटें प्याले वाले सब बाहर पे रख दी और कहा हटा दो हमें नहीं चाहिए, हमें तो गाना सुनने के लिए आए। मगर फिर भी हमारे मन में कहीं कोई
मतलब दुविधा थी जी, कि ये लोग क्या पीने वीने के लिए आए हैं और खाना वाने के लिए आए हैं, तो डिनर की पार्टी दे रखी है, खाने के लिए आए, तो अब गाना कौन सुनेगा। तो मैंने क्या किया कि कट शॉर्ट करके एक आधे पौन घंटे में निपटा दिया। तो गाना तो उन लोगों ने सुना, फिर उनमें से दो आदमियों ने कुछ मशवरा किया, एक उठ के कुछ फ्रेंच में कहा, तो हमें बताया कि भाई ये कह रहे हैं कि आपके इन्होंने दो तीन प्रोग्राम अटेंड किए हैं, जो पहले आपका जो विस्तार स्लोली आप जाते हैं वो हमें समझ में आता है कि आप कैसे ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे, और बात का भी हम इंजॉय कर पाते हैं उसकी वजह से। उस जो पहले आपने जो फाउंडेशन जो बनाया रखा उसकी वजह से आपका फास्टर टेम्पो भी हम बहुत इंजॉय करते हैं। मगर आज जो आपने कुछ जल्दबाजी की तो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा और हमें वो मज़ा नहीं आया। तो कृपया आप ऐसा गाएंगे। तो मैंने ये कहा कि भाई आप लोग डिनर के लिए और पार्टी के लिए आए, तो उन्होंने कहा देखिए आपने एक छोटा सा कुछ प्रश्न किया, उसमें सारे गिलास वगैरह हम लोगों ने रख दिए और हम आप सारी रात गाइए, हमें खाने की इतनी कोई चिंता नहीं है, हम गाना सुनने के लिए आए। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि हमें हमारे शास्त्रीय संगीत में कुछ भी अलग करने की या कम करने की या कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। गायक के ऊपर निर्भर है वो कितनी अच्छी तरह नहीं, हमें मन में दुविधा जरूर होती है, मगर जहाँ तक मेरा अनुभव है जी, हो सकता है किसी को और को और अनुभव हो, तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि हमें इसमें कुछ कहीं भी जाके और कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में वो लोग जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं, एज इट इज जो आप हिंदुस्तान में करते हैं वही हमें सुनाइए। पंडित जी आपने बहुत समय हमारे लिए निकाला, बहुत से हमारे सवालों के जवाब देने का कष्ट किया। बड़े जटिल सवाल बनाए। एक प्रार्थना है, अभी ये आलापी का ही जिक्र चला है, मेरी इच्छा है कि ये इंटरव्यू जो है वो शब्दों पे खत्म ना होते, सुरों पे खत्म हो। तो आप किसी भी अपने जो मैं आपको सानंद बापू की एक भैरवी की रचना सुनाता हूँ, जिसके स्वरकार मेरे बड़े भाई साहब हैं, शब्दकार महाराजा श्री जयंत सिंह जी। पुनीत पद पंक जा श्री कामेश्वर मनु कोटि पारायणे निरंजने नारायणे निरंजने नारायणे श्रीणि पाश शर चापिनी असुर व्युत्थापिनी सुर राज संस्थापिनी निरंजनी नारायणी निरंजनी श्री कालिका कपर्दिनी माम है सासुर मर्दिनी करुणामय कात्यायनी करुणामय करुणा करुणामय कात्यायनी निरंजनी नारायणी सर्वमुख रंजनी गर्भदानु गंजनी भक्त भाई